नमः शिवाय। जब भी हम अपना व्यापार शुरू करते हैं या कभी कभी बहुत तरक्की करते हैं, क्या आपको रुकावट आने लगती है? या जिसको हम बोलते हैं कि लोग जेलस होने लग जाते हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, लोग टोका टाकी करते हैं, जिसे एक नॉर्मल अगर डिक्शनरी वर्ड्स में देखें तो शत्रु, हमारे एनिमीज बहुत ज्यादा होने लगते हैं। घर में आपके एनिमीज हो सकते हैं, आपके पड़ोस में एनिमीज हो सकते हैं, आपके ऑफिस में एनिमीज हो सकते हैं, इवन आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपके साथ कहीं ना कहीं ट्रबल कर सकते हैं, लेकिन उनको आपकी ज़रूरत भी है। तो क्यों ये रुकावटें आ रही हैं, क्यों ये विवाद आ रहे हैं, क्यों ये शत्रुता आ रही है, क्यों एनिमिटी आ रही है आपकी लाइफ में? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। आपकी वास्तु गलत हो सकती है, ओवरऑल बहुत सारी बातें हैं जिसे हम एक एग्जैक्ट वास्तु एनालिसिस करके ही निकाल सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार हम कहते हैं ना कि शाम हो गई है कुछ स्नैक्स खा लेते हैं, उसी प्रकार जो ये वास्तु टिप्स होती हैं, जो मेरी टिप्स होती हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा दिला सकती हैं। ये मेरा मानना है और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। मैं आपको 2-3 उपाय ज़रूर बताऊंगा जो कि आपकी एनिमिटी, शत्रुता दूर करने में, जो आपसे लोग जेलस हो रहे हैं, ट्रबल हो रहे हैं, उसको दूर करने में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सिंदूर लेना है आपको, सिंदूर और देसी घी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको गाय का देसी घी लेना है, आप अपने मन से शुद्ध देसी घी कहीं से भी ले लीजिए, जो कि क्लेरिफाइड बटर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो सिंदूर में थोड़ा सा घी मिलाना है, मन में भगवान शिव को याद करना है और इससे स्वस्तिक बनाना है आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे। आपका मोबाइल, अगर आपका ऑफिस है तो छोटा सा स्वस्तिक अपने मोबाइल के कवर पे बना सकते हैं, और चाहे तो मोबाइल पे बनाइए और फिर कवर लगा दीजिए। आप नहीं दिखाना चाहते कि आपने स्वस्तिक बनाया हुआ है, अपने बैग पे लगा सकते हैं, अपनी गाड़ी पे लगा सकते हैं, जहां जहां आप सुसज्जित होके जाते हैं अपनी चीजों में, वहां वहां पे आप घी मिश्रित सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए। स्वस्तिक बनाते समय आपके हाथ धुले होने चाहिए, मन साफ होना चाहिए, भगवान की जो शक्ति है वो आपके अंदर होनी चाहिए, तो उस स्वस्तिक में बहुत एनर्जी आएगी और आपके सारे शत्रु दूर भाग जाएंगे और आपके दोस्त बन जाएंगे। दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं दूसरा उपाय भी बताऊंगा साथ साथ। इससे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जो वीडियोस हैं उसे, मुझे ऐसा लगता है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए, सो डैट ये नॉलेज आप बहुत जगह पहुँचा सकें। आ रहा हूं मैं आप रजिस्टर कीजिए, मुझे अपने घर बुलाइए, सो डैट मैं आपके घर आकर के बारीकी से वास्तु डिफेक्ट्स निकाल सकूं और बता सकूं आपको। और ये शो इस प्लेटफॉर्म है कि आप सब लोग, जो लाखों लोग, करीब 10 से 12 लाख व्यूज इस टाइम डेली मेरे चैनल पे आते हैं, तो कितने सारे लोग आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो अपनी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी लेकर के आएंगे, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आपको दूसरा उपाय बता रहा हूँ। आपने नीम की लकड़ी लेनी है, नीम की लकड़ी खुद ले लीजिए, और कभी आपने बचपन में क्राफ्ट्स जरूर किया होगा, नहीं तो आपके घर में बच्चे होंगे, उनको लकड़ी दीजिए, टहनियाँ दीजिए और कहिए कि इससे स्वस्तिक बनाना है। उस स्वस्तिक को आप अपने घर के दरवाजे के बाहर लगाइए, नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, ऐसे लगाइए कि जैसे ही दरवाजा ओपन हो सामने स्वस्तिक होना चाहिए। आप घर के अंदर आए उसे देखें, हमारे लिए काफी है, कोई विजिटर आ रहा है उसे देखें, हमारे लिए काफी है। तो ये दो उपाय तो आपके शत्रुओं को दूर करने के लिए है। तीसरा उपाय जो है वो मैजिकल बहुत अच्छा बन जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में आंवले का पौधा जरूर लगाएं।
आंवले का पौधा लगाएं, इसको जल ज़रूर दें, इस पर दीपक ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से आपके जो प्रशंसक है बहुत हो जाएंगे और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि दोस्त ज़्यादा दुश्मन कम, तो ऑटोमेटिकली दुश्मन जो हैं वो दब जाएंगे। तो आप इन उपायों को अपनाइए और अपनी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आइए। ओम नमः शिवाय।